400, उनका मेरी मेरी के जो लिमिट है वो 5 लाख पाउंड की है। ओके, तो उन्होंने 4,99,000 पाउंड की मुझे लिमिट दे दी विदाउट एनीथिंग। और ये रिस्क मेरे साथ है, उसने एक पेनी का रिश्वत भी नहीं ली। वो मेरे वेयरहाउस आया, उसने एक सूटकेस, अपने पाकिस्तान जा रहा था, करण के मसूर हम आपका सूटकेस लेके जाएंगे, ने कहा। तो उसको मैंने 50 पाउंड का एक सेट ऑफ 4 बेचा, उसने 50 का नोट दिया। मैंने कहा भट्ट साहब मुझे पैसे ना दे, शर्मिंदा कर, करे नहीं, मैं बगैर पैसे के नहीं। ही पेड मी 50, ही स्टिल है, ब्लैकबर्न में रहते हैं। ये हालत है 1987 की, कि बैंक मैनेजर ने एक पैसा भी नहीं दिया, $500,000 ऐसे दे दिया जिसके कोलेट्रल कुछ नहीं। मेरे घर में पैसे 2,000 का कोलेट्रल था, समझ रहे ना मेरे बात, पाकिस्तानी बैंक, और 3,000 की गाड़ी थी, बस कुछ नहीं। एंड दैट इज इट, देन आई नेवर लुक बैक, दैट वाज द स्टार्ट, दैट वाज द स्टार्ट। फिर मैंने उनका सारा पैसा दे दिया। फिर मैंने एक अंग्रेज था, वो लेदर गुड्स में था, उसकी उसकी उसके पास फंड्स की कमी थी, तो मैंने उसको 50,000 पाउंड उसकी पूरी 100% शेयर खरीद लिया। मैंने कहा तेरी बिजनेस मतलब यू विल वर्क फॉर मी, दैट्स अ गुड वे ऑफ टेकिंग आउट प्रॉफिट। बस फिर उसके पास चक्कर ये था, वो तेज आदमी था, उसके पास अकाउंट्स बहुत अच्छे थे, हाउस ऑफ फ्रेजर कैबिनेट नेक्स्ट के उसका अकाउंट थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वालों ने मुझसे कहा, इसने हाउस ऑफ फ्रेजर वाले मुझसे कहा 93 में, मसरूर भाई मसरूर में आपके प्राइस बहुत बढ़ गई, कॉस्ट हैज गॉन अप, हम तो अब यूके में बना रहे थे पहले, वो जो अंग्रेज जो था उसका हमने खरीदी थी, उसकी बर्मिंगम में फैक्ट्री थी। अच्छा, देन आई मूव्ड एवरीथिंग टू कलकत्ता 93 में। बिल्कुल, वो दिन है और आज का दिन है, सब चीज वही से आ रहा है। बिल्कुल, इंडिया में और बांग्लादेश और ये जगहों पे तो मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी कंट्रोलेबल फाइनेंशियली। मैं ये यंगस्टर जो है ना, आजकल के लोग जो है, जैसे गौर है, खैर गौर तो माशाल्लाह बहुत ही तेज आदमी है, मगर जैसे हमारे ये हैं, ये सब यंग लोग खड़े होना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल, दे वांट टू फ्लाई, दे वांट टू गो। मैं इनसे यही कहता हूँ, अच्छा एक तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताए, 1978 में जब मैं किसी के लिए काम करता था, तो यहाँ पे एक वेयरहाउस में आग लग गई। ओके, यहाँ आर्डविक में, तो हमारे पास एक यहूदी था हेनरी करके, सुना तुमको, सुना रहा तुम सुनो, तुम हर वक्त पूछते रहते, मैं क्या करूँ, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तुम्हें आइडिया होता रहे। तो हम उसके पास गए, तो वो वेयरहाउस जल गया, तो उन्होंने कहा कि भाई सामान जो खराब हो गया इसको उठा के ले जाओ, कपड़ा ही कपड़ा था, तो हमने यहूदी था, अच्छा यहूदी सब वेरी क्लोज होते। तो हेनरी नाम का एक आदमी था, उस वक्त 72 साल की उसकी उम्र थी, मेरी तो 28 साल की उम्र थी। तो हेनरी ने मुझसे कहा कि सिद्दीकी ऐसा करो, एक वेयरहाउस ढूंढ लो। मैंने कहा है मेरे पास 10,000 स्क्वायर फुट के, वहाँ ये सामान रखवा दो, इसको बेच लेंगे हम लोग। हमने कहा चलो ठीक है। उसका सामान रखवाया, तो उसको बेचने के लिए हम यहाँ पे मैनचेस्टर में, उस जमाने में कपड़े की मार्केट डिफरेंट थी, हम उसके पास गए, उसके पास गए, तो उसने पूछा यंग मैन व्हाट डू यू डू, उसने कहा आई वर्क फॉर एज ए कंसल्टेंट फॉर ए कंपनी, यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, उस वक्त कह रहा था मैंने। मैंने ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, इफ ये मैंने शाह साहब को भी बताया, शाह साहब उस